है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है राजा मेहर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जी, आज की मौसम की बात की जाए तो आसमान काफ़ी प्यारा और का है, एकदम मस्त ठंडा ठंडा। एंड इस ठंडे ठंडे मौसम में आज हमारी है रोपाई, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आज बारिश भी होगी। होपफुली जल्दी निपट जाए, क्योंकि वहाँ ना पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं। इस चक्कर से हमारी रोपाई इतनी लास्ट लग रही है, बिकॉज वहाँ सबकी लग गई है, लगभग लगभग हमारी रह रखी है। तो चलते हैं, मम्मी बेलों के लिए जा रखी है अभी, तो निकलते हैं सीधे रोपाई में और आज आपको रोपाई दिखाते हैं हमारी। मेरा फर्स्ट टाइम है आज जो मैं वीडियो बना रहा, क्योंकि मैं जितनी भी रोपाई लगी उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलते हैं। हम घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और ये ऊपर गांव दिख रहा है, वहाँ है हमारा घर। एंड ये जो मेरे कंधे पे दिख रही होगी, इसे हम भी बोलते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये बेलों के कंधे पे दिखेगी, तो इसी दो बेलों के कंधे में लगेगी, तो बेलों को चलने में आसानी होती है। जो हमारी रुपाई है वो धनपुर गांव में है, वहाँ गांव के नीचे हमारे कुछ खेत हैं। तो जो ये अभी वाली रुपाई है ना, ये काफ़ी दूर है हमारे, सबसे आज तक की जो सबसे बड़ी रुपाई है वो यही है। यहाँ एक तो आने जाने में इतना टाइम लगता है, पूछो ही मत। तो ये धनपुर गांव जो है, ये मैगी पॉइंट के जस्ट नीचे पे है, अभी चल के दिखाएंगे आपको। और पापा भी आ रहे हैं छानी से, और भाई भी आ रहे हैं। तो जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड ये खेत, और अभी इसमें पानी बहुत कम है, मम्मी तो जा रखी पानी लाने। एंड ये कुछ खेत हैं, ये चाचा लोगों के हैं और बाकी कुछ उधर साइड है। एंड ये सामने पे है साड़ा गांव, ये वाला है मानपुर एंड ये है धनपुर, और यहाँ ऊपर सामने पे है हमारा गांव, वहाँ से आए हम अभी। तो अब जैसे पानी आ जाएगा वैसे हम स्टार्ट कर देंगे, बाकी अभी तो पानी आने में टाइम है। हमें लगा बारिश होगी, बट बारिश नहीं हो रही, क्या करें, बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, जल्दी निपट जाएंगे, मज़ा तो क्या ही आएगा। तो जी, अभी खेत भी भर चुका है, पानी वगैरह की ला दिया था। एंड अभी हमारे साथ भैया आ रखे हल लगाने, काफ़ी तो आधा तो मैंने लगा दिया था शुरू शुरू में, ऊपर साइड पानी था। एंड अब भैया लगा रहे हैं एंड पापा भी आ चुके हैं। और देखो ज़रा मौसम कैसा खुल गया है, धूप भी आ गई है यार, नहीं चाहते थे पर चलो पानी तो है, खैर फटाफट से निपट जाएंगे तो सही हो जाएगा। जितनी जल्दी निपटेंगे उतनी जल्दी घर पहुंचेंगे, उतनी जल्दी फिर आराम करेंगे। तो जी, हल का काम कंप्लीट हो चुका है एंड अब लग रहा है जो मिट्टी ऊपर आती है हल से, उस मिट्टी को बराबर करने का काम, और उसे हम मैया बोलते हैं। और मैं पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, ये देखिए पूरा बराबर हो गया, अभी मैया लगना शुरू हो गया यहाँ। और जो भी मिट्टी थी पहले, अब तो काफ़ी लग चुका है, जैसे यहाँ पे है मिट्टी ऊपर आ रखी, ये मिट्टी बराबर होती है। अभी दिन के 12 बज चुके हैं और भूख भी लग गई है, अब टाइम हो गया है थोड़ा खाना खाने का, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया एंड अभी काम भी काफ़ी हो गया है। एंड मम्मी लोग नीचे, ये जो दिख रहा है यहाँ मेरा भाई है, मम्मी है एंड दीदी है, जो यहाँ लगेंगी खेतों में वो निकाली जा रही है। फाइनली काम निपट चुका है और अब निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर। एंड मेरे पास है हल, इसको ले आना पड़ेगा, काफ़ी भारी हो रखा है, तो सीधे घर में मिलते हैं आपको।
काफी थकान भी लग चुकी है। तो जी अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और बेलों को भी मैंने ऊपर बांध दिया है और मस्त नहला भी दिया है उन्हें। एंड अब मैं खुद नहा लेता हूं, बिकॉज पूरी बॉडी पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है। एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो जाता है। भैया जी अभी नहा भी लिया है एकदम मस्त, और अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और अभी तक मम्मी भी नहीं आई, भैया लोग भी नहीं आए, पता नहीं कितने लेट में आते हैं। देन मैं रेस्ट कर लेता हूँ तब तक, जब वो आएंगे तब देखते हैं आगे क्या हो पाता है। तो जी अभी मैं जस्ट सोने से उठा हूँ और टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके हैं। तो मैं जब सोया था उस टाइम 3 बज रहे थे, तो लगा 3 घंटे सोया, इतनी खतरनाक नींद पड़ चुकी थी कि होश ही नहीं था, बेहोश हो गया था मैं, इतनी थकान भी लग रही थी ना एक तो। बाकी अभी मैं जस्ट उठा और पूरा मुँह हाथ धुल के शरीर पूरा तरोताजा हो चुका है। एंड अभी का जो सामने का व्यू है वो सनसेट भी होने वाला है, काफ़ी प्यारा। और नीचे गांव में धूप भी चली गई है एंड सामने सनसेट भी होने वाला है, बाकी तो ऊपर धूप ही है अभी मस्त। अभी हमारा टाइम हो चुका है चाय पीने का, तो मस्त चाय पीते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। चाय बनाई है दीदी ने, दीदी भी आ गई थी घर कल परसों में, और अब दीदी पता नहीं कब तक जाइए। अभी दीदी अंदर मस्त खाना बना रही है। जब कभी घर में कुछ रुपए वगैरह काम होता है ना, तो जो साथ में काम करने वाले आए रहते हैं ना, उनको खेताव बोलते हैं, तो उनके लिए खाना खुना बनाना होता है जल्दी, बिकॉज दिन में ही खाया होता है, 12 बजे करीबन खाया था। तो अभी खाना खुना बनेगा, तो जस्ट तुरंत खाना खुना खा के फिर निकल जाएंगे घर पे। तो जी मम्मी लोग भी आ गए हैं। ले भाई खाना खुना खाया जा रहा है एंड सामने मस्त सनसेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा रह रखा है अभी, बट जो भी है पर प्यारा लग रहा है सामने का व्यू। तो जी अभी दीदी लोगों ने भी खाना खुना खा लिया है एकदम मस्त, एंड अब मैं भी खाता हूँ, बिकॉज दिन में ही खा लिया था। तो जी अभी दीदी लोग खाना खुना खा के मस्त घर को चले गए हैं, एंड अभी 8 बज चुके हैं शाम के, तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गढ़वाल जय उत्तराखंड, बाय।